तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी क्या हाल और आप सभी की गेमिंग कैसे चले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज हम आप ये लेकर आ चुके हैं आईटेल की तरफ से आईटेल यस 23+। इसमें आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं और पबजी बीजीएमआई टेस्ट करने पर हमें कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन और कम प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है और ग्राफिक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर वाच करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें को एंड्रॉइड V13 का में लेटेस्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें को यूनिसोक की ओर से P616 वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, जो गूगल की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। इसके परफॉर्मेंस और बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 GHz का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको 8 GB रैम, 256 GB तक स्टोरेज भी हमें देखने को मिल जाती है। काफी बड़ी रैम और स्टोरेज हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो इसमें 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 60Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो काफी स्मूथ फील हमें कराने वाला है गेमिंग के मामले में। वहीं इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें 5000mAh तक की बड़ी पावर की बैटरी देखने को मिल जाती है। 18W का चार्जर एडाप्टर देखने को मिलता है। USB Type-C का यहाँ पोर्ट्स और बटन देखने को मिल जाते हैं और इंडिया के अंदर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें 4G का फुल सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें 5G का कोई ये है दोस्तों माई इंस्टाग्राम आईडी, जिससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी, हमसे पर्सनल बातें कर सकते हैं इसके जरिए। और दोस्तों हमारा ये है टेक चैनल, जिससे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मन की वीडियो देख सकते हैं यहाँ और कमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह की वीडियो देख। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेमिंग में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो प्यारी प्यारी हमारी न्यू ऑडियंस देख रही है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस करें। तो दोस्तों हमारे चैनल के अंदर गिव अवे चल रहा है, आपको गिव अवे वाली वीडियो आने वाली है जल्द, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है और फॉलो करना हमें इंस्टाग्राम पर जरूर न भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर अब देख सकते हैं इस डिवाइस के अंदर हमें ग्राफिक सेटिंग कितना ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो सीधे हम चलते सीधे इसके ग्राफिक सेटिंग की ओर और ग्राफिक सेटिंग में आप देख ही सकते हैं इसमें आपको क्या सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राफिक सेटिंग में हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा का काफ़ी अच्छा कम्बोनेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ हमें लो, मीडियम, हाई, जस्ट अल्ट्रा तक का काफ़ी अच्छा कम्बोनेंस देखने को मिलता है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा का 40 FPS तक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। दोस्तों हमें 60 FPS तक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा नेक्स्ट अपडेट के बाद, तो वाली वीडियो जरूर आएगी जब आप कमेंट बॉक्स पर यस लिखेंगे। जितना ज़्यादा दोस्तों यस आएंगे उतने ज़्यादा हम वीडियो बना देंगे जल्द। फिलहाल दोस्तों इस डिवाइस के अंदर हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा का काफ़ी अच्छा कम्बोनेंस देखने को मिला है। चलिए चलते सीधे आपने गेम प्ले की ओर, वीडियो का एंड तक वॉच जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके ये स्मार्टफोन लेने से पहले इसमें आपको गेमिंग का और ग्राफिक्स का कितना अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए चलते सीधे अपने गेम प्ले की ओर।